नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट बना रहे हैं। भाजपा ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जब 40 नाम आ चुके हैं, इनमें सबसे पहला नाम जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल किया गया है। इसके अलावा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सभी कर्नाटक की जनता के सामने अपने कामों का लेखा जोखा रखेंगे और विरोधी दलों की कमियों को उजागर भी करेंगे। अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटरों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर सीजीएम कोर्ट लेकर पहुंची। प्रयागराज पुलिस तीनों शूटर्स को ले जाने के लिए सुबह प्रतापगढ़ जेल पहुंची थी। बुधवार को तीनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस इनकी कस्टडी रिमांड मांगी है। शूटर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। माफिया अतीक अशरफ को गोली मारने वाले तीनों आरोपी हमलावरों को प्रयागराज सीजीएम कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। प्रदेश सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े करते हुए अधिकारी ने दावा किया है कि सब चोर अंदर जाएंगे। सीबीआई इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। अधिकारी ने टीएमसी नेताओं की ज्यादतियों और उनके बर्ताव को कटघरे में खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन कृष्ण के एक्ट को भी सवालों में घेरा है। बोले, बंगाल में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा अपना मोबाइल फोन सीबीआई से जिस तरीके से छीन रहे थे, जिस तरीके से दस्तावेज नष्ट करने की कोशिश की गई, वो निंदनीय था। यही वजह है कि उसके बाद जिस तरह सीबीआई ने एक्शन लिया वो सही था। दरअसल सीबीआई अधिकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कथित रूप से अवैध भर्तियों से जुड़े मामलों में बुरवान निर्वाचन क्षेत्र के विधायक साहा से 14 अप्रैल से पूछताछ कर रहे थे। साहा को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। सीआरपीएफ सुरक्षा वाले वाहनों के काफिले में उन्हें ले जाया गया। 72 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान साहा ने अपना मोबाइल फोन छीन कर तालाब में डाल दिया। छापेमारी के दौरान साहा के 2 मोबाइल फोन में से 1 फोन को तालाब में से निकाल लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के अगले कदम के बाद राजनीति चरम पर है। दरअसल टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने मंगलवार रात कहा था कि वो अब भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं क्योंकि भाजपा में लौटने के इच्छुक हैं। राय सोमवार रात कुछ निजी काम से दिल्ली गए थे। हालांकि शुरू में उनके परिवार ने दावा किया था कि वो लापता हो गए हैं। परिवार ने दावा किया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और कहा कि भाजपा को टीएमसी नेता का इस्तेमाल कर गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कि अस्वस्थ है। बता दें कि मंगलवार को रॉय ने कहा था कि मैं एक भाजपा विधायक हूं, मैं भाजपा के साथ रहना चाहता हूं, पार्टी ने मेरे ये ठहरने के लिए इंतजाम किए हैं, मैं अमित शाह से मिलना चाहता हूं और जेपी नड्डा से भी बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की नौतवा सीट के पूर्व विधायक और 2022 विधानसभा के बीएसपी के प्रत्याशी रहे अमन मणि त्रिपाठी को बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा था। बता दें कि अमन मणि यूपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अमन मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। बसपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। महाराजगंज जिलाध्यक्ष ने पार्टी की ओर से जारी लेटर में कहा कि अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की कई शिकायतें मिली थी। इन सभी शिकायतों की जाँच करने के बाद अमन मणि को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अमेठी में निकाय चुनाव को लेकर सपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने अमेठी, गौरीगंज, जायस में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। अमेठी में 2 नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष पदों का चुनाव होना है। 4 अध्यक्ष पदों के लिए दूसरे चरण में चुनाव होगा। नगर पंचायत चुनाव में सपा ने अध्यक्ष पद के लिए 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं अभी तक कांग्रेस और भाजपा ने किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने अतीक अशरफ हत्याकांड पर बयान देते हुए कहा है कि शांति क्या यूपी में निवेश करने का माहौल है। उन्होंने कहा, क्या यही देश की सर्वोत्तम कानून व्यवस्था है? अफजाल ने दावा किया है कि देश की जनता 2024 में इस व्यवस्था को चलाने वालों का बाजा बजा देगी। अफजाल ने कहा कि साजिश हो रही है, होती रहेगी, लेकिन मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी तो मालूम चलेगा कि सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। उन्होंने कहा कि हमें कोई बात बता रहा है कि घटना में 5 शूटर थे, पकड़े गए 3 शूटरों के अलावा भी कुछ शूटर्स थे। अफजाल ने कहा कि देश के वरिष्ठ वकील ने कहा था कि एक हत्या अतीक की हुई, दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई है। उन्नाव में पुलिस से गाली गलौज और अभद्रता का मामला सामने आया। पुलिस ने अभद्रता का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा निर्दलीय प्रत्याशी के घर अभद्रता करने पर दर्ज किया गया। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी के घर बैठक चल रही थी। आचार संहिता उल्लंघन करने पर मोरावा एसएचओ पहुंचे थे। भीड़ ने पुलिस को खदेड़कर घर से बाहर किया।
अभद्रता अपशब्द कहने का वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व अध्यक्ष निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत शुक्ला पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। झांसी के बगरा में थाना उंदन अंतर्गत आने वाले ग्राम पाटकार का रहने वाला एक युवक जो हाथ में कट्टा लिए है, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्राम पाटकार निवासी रमन सेन पुत्र सुरेश सेन, जिसकी अपना वीडियो खुद ही बनाया और खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिजनौर में 9 अप्रैल को हुई सोनू की हत्या का खुलासा बिजनौर पुलिस ने कर दिया है। बिजनौर पुलिस ने हत्यारे युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल 9 अप्रैल युवक के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी लाश बिजनौर नगर पालिका के निकट शराब की हट्टी के पास पड़ी मिली थी, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच पड़ताल शुरू की थी। जालौन में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। आरोपी सरकारी तार की लूट में वंचित चल रहा था। पुलिस को 1 साल से आरोपी की तलाश थी। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मऊरानीपुर तहसील में कस्बा रानीपुर की महिला का चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद का पर्चा निरस्त होने पर वो बेहोश हो गई। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल 2023 को निकाय चुनाव से संबंधित मऊरानीपुर तहसील नामांकन पत्र की जांच प्रक्रिया होनी थी। रानीपुर की एक महिला सुनीता पत्नी गुलाब निवासी देवरी सिंहापुर सहित अन्य 4 लोगों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरों को गोली लग गई। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों द्वारा बबीना और स्वाट टीम पुलिस पर फायर कर दिया गया। आत्मसुरक्षा में पुलिस ने फायर किए, जिसमें 2 अभियुक्तों की गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से लूट का माल और नकदी बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज के गंजुडवारा नगर में समाज सेवी सलीम कुरैशी ने रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने हिस्सा लेकर रोजा खोला। वहीं हाफिज तकलीम ने बान मंडी तिराहे बाली मस्जिद में नमाज अता कराकर अमन और सलामती की दुआ मांगी। उन्होंने रोजा इफ्तार से पहले तकरीर में कहा कि रोजा एक इबादत ही नहीं, गरीब की भूख और प्यास के एहसास का नाम भी है, और कहा कि मुसलमान भाइयों को पूरे रमजान रोजा रखने की हिम्मत रखनी चाहिए और इस पवित्र पाक महीने में कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। यूपी निकाय चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहने के बाद भी टिकट न मिलने से आहत होकर सपा के प्रदेश सचिव ने बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़वाने का ऐलान कर दिया। संभल में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही ने किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं भयंकर आग के चपेट में आकर ट्रॉली भी जल गई। भीषण अग्निकांड से किसान का परिवार सदमे में है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या पर एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से पुलिस कस्टडी में किसी को मार दिया जाए तो फिर अदालत की क्या जरूरत है। समर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या जुल्म है, उनके साथ कानूनी इंसाफ नहीं हुआ है, अतीक अहमद के साथ नाइंसाफी हुई है। जब देश में अदालतें हैं, कानून है, तो ऐसे में किसी को पुलिस कस्टडी में मार गिराया जाए तो अदालत की क्या जरूरत रह जाती है। एसपी सांसद डॉक्टर बर्क ने पूरे मामले में यूपी और केंद्र की सरकार को लापरवाही बरतने की कहा है और कहा है कि यूपी सरकार पर पुलिस कस्टडी में दोनों भाइयों को मरवाने का आरोप भी हम लगा रहे हैं। समर पुलिस ने 51 लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। पुलिस की सर्विलांस सेल ने खोए हुए 51 मोबाइल उनके मालिकों को सौंप कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइलों की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। संभल जिले की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 51 लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई। पुलिस ने गुम हुए मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल फोन सौंपे हैं। संभल जिले के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बहजोई स्थित कार्यालय पर कार्यक्रम कर गुम हुए मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा। पुलिस से मोबाइल फोन पाकर स्वामियों के जो चेहरे हैं उन पर मुस्कान दिखी। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि संभल जिले की सर्विलांस सेल टीम के प्रयास से कोई भी 51 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं और सभी बरामद मोबाइल उनके मालिकों को दे दिए गए हैं। एक ही बात को 50 बार लिखा है। बीजेपी के बागी प्रत्याशी और सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी का सिर दर्द बढ़ गया है। गोरखपुर के कुल 80 वार्डों में बीजेपी के बागी प्रत्याशियों ने नामांकन कर जहां पार्टी का सिर दर्द बढ़ाया, तो वहीं बची कुची कसर उनके सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने भी कई वार्डों में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी के बागी प्रत्याशियों का कहना है कि 20 से 25 साल तक पार्टी की सेवा करने के बावजूद हमें हर साल सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है और 1 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए लोगों को टिकट दे दिया।
ये कहीं ना कहीं सवाली निशान उठाता है कि पार्टी अब पहले जैसी ईमानदार नहीं रही है। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर सभी जनपदों की पुलिस व्यवस्था बनाने में सक्रिय नजर आ रही है। इस कड़ी में जनपद टिहरी पुलिस ने भी सुरक्षा के साथ अन्य कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा किया। जनपद टिहरी के SSP नवनीत भुल्लर का कहना है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हो या सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने का काम हो, पुलिस हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। आपको बता दें कि आसमान में काले बादल छाए, ठंडी हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हुई। बारिश होने से मसूरी आसपास के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। जनपद पौड़ी के बाढ़ प्रभावित गांवों के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। आपको बता दें कि 21 अप्रैल तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्कूल बंद रहेंगे। बीती 13 और 15 अप्रैल को आदमपुर बाग ने रीखणी खाल और धुमाकोट में 2 ग्रामीणों को मार डाला था। स्कूल बंद रखने के लिए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही इन बाढ़ प्रभावित गाँवों में नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है। पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विधानसभा के केशवर ब्लॉक के अंतर्गत केसरपुर के पास वन क्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा वन संपदा पर आग लगाए जाने की घटना को अंजाम दिया गया। जंगल की आग आवासीय बस्ती की ओर पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने आग को एक गौशाला के पास पहुंचने की संभावना को देखते हुए आग बुझाने का कोशिश की। वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर उप जिलाधिकारी संदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं अग्निशमन सेवा केंद्र पौड़ी को भी सूचित किया गया। मामला थाना देहली क्षेत्र अंतर्गत घुड़ियाबाग इलाके के वाटर वर्क्स का बताया जा रहा है, जहां जन्मदिन के बहाने चार दोस्त दो सगे भाइयों को गंगा स्नान को बोलकर घर से ले जाते हैं, जहां गंगा स्नान के दौरान पानी में डूबने की वजह से 2 भाइयों की मौत हो जाती है और परिवार को सूचना दी जाती है कि आपके दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच जाता है। वहीं परिजन जिला बुलंदशहर के अनूप शहर घाट पहुंचते हैं तो परिवार का सीधा आरोप उनके मृतक बेटे के दोस्तों पर होता है। वहीं स्थानीय पुलिस चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर जांच में जुट जाती है। अमेठी में दबंगों के तांडव का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने पीड़ित के गौ आश्रय स्थल को भी तोड़ डाला, साथ ही लगे 3 सेट को उखाड़कर गड्ढे में फेंक दिया। पूरा मामला मोहनगंज क्षेत्र के पूरे गुलाम सिंह गांव का बताया जा रहा है। जनपद बहराइच में दुकान मालिक प्रमोद केड़िया छावनी बाजार आदर्श अग्रवाल के बगल में नटराज ड्राई क्लीनर्स है, जिसकी दुकान में रात लगभग 12:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें हजारों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान की छत तक फट गई। 3 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली शैलेश सिंह, प्रभारी चौकी चौघंटा, घर प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। दुकान मालिक का कहना है कि आग कैसे लगी उसके कारणों का पता नहीं है, नुकसान का भी आंकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अमेठी यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात प्रभारी अजय तोमर ने अपने पूरी टीम के साथ जिले में जगह जगह पर चेकिंग कर रहे हैं। विश्वख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अब मात्र 6 दिन का समय बचा हुआ है। प्रशासन स्तर पर यात्रा तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि बदलते मौसम के कारण इस बार यात्रा तैयारियां करने में देरी हुई है। यात्रा से जुड़े विभाग इन दिनों केदारनाथ में व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हैं, लेकिन अभी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में शुरुआती चरण की यात्रा व्यवस्थाओं के बीच हो सकती है। केदारनाथ यात्रा के आधार शिविर गौरीकुंड से बाबा केदार के 18 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू होती है। यहां से भक्त घोड़े खच्चर, डंडी कंडी और पालकी के सहारे केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। कपाट खुलने को लेकर जहाँ स्थानीय लोगों में उत्साह बना हुआ है, तो वहीं ये लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला हरिद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। SSP हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके मद्देनजर उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कही जाने वाले नारसन बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों के चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को परेशानी ना का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि दूरदराज से तीर्थयात्री आते हैं, उन्हें चारधाम यात्रा के लिए बहुत दूर जाना होता है, इसलिए चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों को बॉर्डर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया। गर्मियां शुरू होते ही वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए वो आबादी क्षेत्रों का रुख करते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व ने समस्या से बचने के लिए रिजर्व के सभी रेंजों में दर्जनों वाटर होल्स तैयार किए हैं, साथ ही इनमें वाटर होल्स में पानी भरने और साफ सफाई की व्यवस्था भी रखी गई है। जंगली जानवरों की सुविधा के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से कुछ नए वाटर होल्स भी तैयार किए गए हैं। चारधाम यात्रा 2023 को शुरू होने में मात्र 4 दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर जहां एक और सरकार
द्वारा कई दावेबाजी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा से जुड़े ट्रेवलर्स व्यवसायी सरकार द्वारा चारधाम को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित किए जाने से परेशान हैं। उनका कहना है कि संख्या सीमित करने से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वहीं चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड आने वाले हर श्रद्धालु को चारधाम में दर्शन कराए जाएंगे और जो गाइडलाइंस है उन्हें पुनः विचार किया जाएगा ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा सके। हाथरस में बने इंग्लिश मीडियम बीएलएस स्कूल में बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराना स्कूल प्रशासन को महंगा पड़ गया, जब परिजनों ने हिंदुवादी नेताओं के साथ मिलकर स्कूल स्टाफ का विरोध शुरू कर दिया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन स्कूल के गेट पर स्कूल प्रिंसिपल का शराब पीते हुए फोटो लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे परिजनों की मांग है कि जिलाधिकारी मौके पर आकर स्कूल स्टाफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें। उथवाड़ा नगर पालिका परिषद की सपा प्रत्याशी डॉक्टर हिना कौसर का पर्चा खारिज हो गया है। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को उनके पर्चे पर आपत्ति लगी थी। संविदा डॉक्टर होने के नाते उनके पर्चे पर आपत्ति लगा दी गई। निरीक्षण के बाद एसडीएम संतोष कुमार ओझा ने प्रत्याशी डॉक्टर हिना कौशल का पर्चा खारिज किया। लेंसडाउन के रीखनी खाल और धुमाकोट इलाके में बाघ के आतंक से ग्रामीण 5 दिनों से घर में कैद हो गए हैं। हालात ये हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा गांवों में फैली बाघ की दहशत से इलाके में कर्फ्यू लग चुका है और अभी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। पौड़ी जनपद के रीखनी खाल और धुमाकोट इलाका इन दिनों बाघ की दहशत की चपेट में है। बाघ ने 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया तो वहीं कई मवेशियों को भी लगातार निवाला बनता जा रहा है। इटावा के रहने वाले युवक ने गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली। युवक निजी कंपनी में काम करता था। खुदकुशी का कारण अब तक परिजनों को नहीं पता चल पाया है। गुरुग्राम पुलिस युवक की खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी है। परिजनों ने युवक के शव का इटावा में लाकर दाह संस्कार कर दिया। बता दें इटावा के भरतला क्षेत्र ग्राम रामायण का रहने वाला 20 वर्षीय अश्विनी शाक्य और मोंच ने गुरुग्राम में अपने कमरे में इंस्टाग्राम पर लाइव आकर खुदकुशी कर ली। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान बीती देर शाम तहसील रिखनीखाल के ग्राम डल्ला और तहसील धुमाकोट के अंतर्गत सीमली पहुंचे। बाघ के हमले से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। उन्होंने डीएफओ को बाघ पकड़ने के दोनों जगहों पर विजय लगाने के लिए ही फॉरेस्ट कर्मियों की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जानकारी देते हुए बताते हैं कि दोनों ही घटनास्थल पर वन विभाग पुलिसकर्मी सहित अन्य विभागों के अधिकारी डटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने निकाय चुनाव को लेकर दावा किया है कि यूपी में भाजपा बाजी मारेगी। भाजपा ने यूपी में बहुत विकास कराया है, इसलिए आम जनता भाजपा को पूरा समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तत्परता के साथ चुनावी मैदान में कूदी हुई है। वहीं भाजपा निकाय चुनाव को लेकर पूरी शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। भाजपा निकाय चुनाव के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव साधने में जुटी है। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले भूमिगत नालों पर दबंग की बुरी नजर है। मसूरी में कई जगह भूमिगत नालों पर अवैध निर्माण कर नगर की साफ सफाई को प्रभावित किया जा रहा है। नगर के प्रमुख भूमिगत नालों पर अवैध निर्माण होने से कई मोहल्लों में बरसात के समय जलभराव हो जाता है। मसूरी नगर पालिका के नालों पर बाहरी माफियाओं द्वारा जगह जगह अवैध निर्माण कराया गया है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पालिका प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। सपा प्रत्याशी हिना कौशल का पर्चा खारिज करने पर सपा का बयान सामने आया। पूर्व मंत्री और संस्थापक सदस्य एसपी यादव ने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हमें लोकतंत्र पर विश्वास है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। किसी का पर्चा खारिज करके चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। हाईकमान से हुई बात किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। जहां एक तरफ बढ़ते टेम्परेचर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, तो वहीं महाराजगंज जिले में आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पिछले दिनों महाराजगंज में आग ने जहां मां बेटी भाई बहन को निगल लिया, तो वहीं आज महाराजगंज जिले के नौंदवा में इंदौर नगर में आग ने एक गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जौलान में 17 साल पहले हुई महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासे के दौरान जो हकीकत सामने आई है उसे सुन सभी के होश उड़ गए। दरअसल महिला के पति ने ही महिला को सुनसान इलाके में ले जाकर उसे मार दिया था। पुलिस ने आरोपी पति समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। झांसी नगर निगम मेयर के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने वाले डॉक्टर रघुवीर चौधरी का टिकट सबसे पहले समाजवादी पार्टी से फाइनल हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से 24 घंटे के अंदर ही उनका टिकट काट दिया गया। उनके स्थान पर समाजवादी पार्टी ने बबीना के पूर्व विधायक सतीश शतारिया को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद डॉक्टर रघुवीर चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। वहीं डॉक्टर रघुवीर चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने भले ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया हो, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी चाहे नेता हो या कार्यकर्ता, सबके सब मेरे साथ हैं और चुनाव लड़ने में मुझे अवश्य ही जीत लाने में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से मेरा टिकट काटा गया है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं आज भी समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और हमेशा समाजवादी ही रहूंगा।
सरस्वती बालिका विद्या मंदिर कॉलेज दतिया गेट में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय ने आग से बचाने के उपाय बताए, जहां उन्होंने मुख्य अतिथि प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ए के सांबल, फायर अधिकारी रामकेश शुक्ला, निगरानी समिति के सदस्य अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा ने छात्र छात्राओं को आग से बचाने संबंधित उपाय बताए और साथ ही कार्यशाला और मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट सारा ब्रह्मास ने अपने रिलीज के साथ फैंस का दिल खुश कर दिया है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी की बनाई ये फिल्म न सिर्फ दर्शकों को पसंद ही नहीं आई बल्कि उनके आगे कई पार्ट्स का भी इंतजार था। सालों पहले जब अयान ने ब्रह्मास को बनाने का ऐलान किया था तब उन्होंने कहा था कि वो इसे 3 हिस्सों में बनाने वाले हैं। पहले पार्ट के आने के बाद फैंस को दूसरे और तीसरे का इंतजार है, लेकिन अब ब्रह्मास के सीक्वल पर खतरा मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ब्रह्मास के ओरिजिनल क्रिटेट्स धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर और डिज्नी ने इसे बनाने से हाथ खींच लिए हैं। दोनों ब्रह्मास के आगे पार्ट्स को ड्रॉप कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों अयान मुखर्जी को फिल्म के राइट्स बेचना चाह रहे थे। अयान पहले से फिल्म के कुछ हिस्से पर अपना कंट्रोल रखते हैं। फिल्म के राइट्स मिलने के बाद अयान मुखर्जी से जियो स्टूडियोज के पास लेकर पहुंचे थे। इसी के साथ फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।